दुख हरता वाटा विघ्नाची। इधर का भी बंद करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं सुबह सुबह रेडी हो गई हूँ, तीज ख़त्म किया और मतलब तीज का पूजा वूजा ख़त्म हो गया, पानी वानी पी लिया। उसके बाद मैंने अभी फिर से नया ब्लॉग शुरू किया है। आज है गणेश चतुर्थी, तो आप सबको गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो चलिए मैं मंदिर चलूँगी गणेश भगवान की, तो थोड़ा सा मंदिर जाके पूजा करके आते हैं। तो चलिए आप सबको भी लेके चलूँगी, आप सभी दर्शन करना, यहाँ पे बहुत सुंदर मंदिर है। तो चलिए मंदिर चलते हैं, मैं रेडी हूँ और बच्चे स्कूल गए हैं तो वो उधर से आएंगे और मैं जाऊँगी इधर से, लड्डू वड्डू खरीदेंगे और प्रसाद। तो चलिए चलते हैं मंदिर। पचास टका है दीदी, दुबोरी बनाते हो दुकास। अरे पूजा का सामान, अरे मेरी फ्रेंड। हम लोग पूजा कर लिया मंदिर में, ये है प्रसाद और ये परिधि का मम्मी। चूड़ा इसके कहाँ, यहाँ पे? ओ वहाँ पे है, वहाँ पे कहाँ, उधर राजा गांव का पूरा होता है। हरी हरी साग,
और इधर भी है साल। चलो आगे चलो। यहाँ पे गांव का ताजा ताजा करेला, पुई साग। अपना लोग झोला तो ऐसा क्या किया, बहुत अच्छा था उसका। करेला बाज रहे हैं, ले रहे हैं 30 रुपया ना, आधा किलो 30 रुपये। पटल 10 रुपया पुआ। झाला होगा, क्यों नहीं होगा। अच्छा अच्छा, कितना सुंदर से भिंडी सजा के रखी। टमाटर भी लेना है, टमाटर भी ले लेते हैं, थोड़ा मीडियम साइज के, छोटा छोटा आधा किलो लेना सर, सड़ जाएगा, ज़्यादा नहीं चाहिए। छोटा साइकिल होता इतना बड़ा बड़ा पंपकिन, लौकी, अदरक 30 रुपया हुआ ना, और लहसुन भी। इतना दिन से अदरक का चाय नहीं। ये बाजार यहाँ का बहुत सारा पूरा बहुत बड़ा लगता है। कॉलोंग पार नाम है इस बाजार का। ये देखिए बहुत दूर तक बाजार जाएगा। हम जो जो ज़रूरत है ले लिया। ये देखिए सब फुटपाथ में सब्जी भी लेगा। तो अभी चलते हैं घर। तो ये गणेश भगवान का प्रसाद है, मंदिर से मिला है, हम लोग चढ़ाए थे। तो आ जाइए आप सभी प्रसाद खाने। ये प्रसाद वही मावा है ना, मोदक में क्या पता मावा का। आ जाइए आप सभी प्रसाद खाने, ये आप सबके लिए और ये आप सबके लिए। तो प्रसाद साथ खा लिया। अभी अभी क्या चाय पियेंगे? हाँ चाय पियेंगे, नाश्ता। तो मैं हम चाय पियेंगे, मैं पीऊंगी चाय और इनके लिए नाश्ता दे देती हूँ। मैंने आज सुबह में ही बनाया है चावल और सब्जी, क्योंकि तीज का खाना भी खाना है, तो एक ही बार मैंने चावल ही बना दिया उसका। तो खाना में दे देती हूँ उनको, थोड़ा सा खाना खा लेंगे और मैं बनाऊंगी चाय, क्योंकि खाने का चली है। और टीका कहाँ कहाँ तक लग गए देखिए। वहाँ पे गणेश भगवान का जो मंदिर है ना, वहाँ पे पत्थर में मतलब गणेश जी है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप सबको मंदिर कैसा लगा बताइएगा। तो चलिए दिखाती हूँ मैं पैक कैमरे से कि मैंने क्या बनाया। सिंपल सा ही बनाया है। और इधर मैंने भिगा के रखा है चना, ओवर लोड पानी गिर रही है, तो चना का सब्जी बनाऊंगी। व्रत करने के बाद चना का सब्जी अच्छा लगता है। बनाऊंगी तीखा तीखा, तक मैं इन्हें दे देती हूँ थोड़ा सा नाश्ता। खाए रुक जाओ। ये है देखिए सिंपल सा, ये बीन,
और क्या बोलते हैं आलू का भुजिया, सब बच्चे लोग भी यही खा के गए हैं। भाई हाथ से ही दे देनी ये सब। खाओ खाओ खाओ, ठीक है खा लेती हूँ, पूरा पक गया है। बोल रहे बनाना खाओ हाँ, ठीक बता खाओ तुम। कौन सी आंवला खीरा सब खराब हो रहा है तुम्हारा? आंवला क्यों खराब हो रहा है? जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति साईं। अरे आप सब चल भात खा के चाय मोबाइल को रख लेती हूँ। और यहाँ पे सब्जी लेके आए ना, वो सब रखा हुआ है। कितना सुंदर लगा था मैं, ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बना रही हूँ सब्जी ये, और इसमें चना बॉईल करने के लिए रखी हूँ, ये दोपहर के खाने के लिए है। तो बनाती सब्जी, लेकिन व्रत व्रत खंडी के बाद थोड़ा तीखा तीखा खाने का मन करता है, तो मैं चना का सब्जी अच्छा लगता है तो वही मैं बना रही हूँ। तो बच्चे अभी स्कूल से आए नहीं हैं, तो खाना बन जाए फिर दिखाती हूँ। खाना है खाने पे झगड़ा कर रही है, हमेशा ऐसे ही करती है। तो ये खाना है, खाना खा लेते हैं और ये नाम का तुम बड़े खेस पी जाते हैं, सबको खा रहे खाइए। तो प्रीति कैसा लगा बताइए? अच्छी है, अच्छा लगा। खाइए पहले, अच्छा मिला। मुझे तो दीजिए। ठीक है हाँ बराबर। अच्छा जमी है, तो चलिए ये आज का ब्लॉग बस यही तक, और मिलेंगे नए और एक ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय बोल दीजिए दीदी। बाय बाय, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको बस पहुंच सके। बाय बाय।